इम्पोर्टेड है क्या ये भी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज अपने गैरेज में भाई स्कॉर्पियन खड़ी है, वरना गायब है, वो कोई और लेके गया हुआ है। बट ये देख लो भाई, स्कॉर्पियन भी कितनी गंदी हो रखी है। बट यार बहुत टाइम से ना, मतलब कि एक दो कमेंट इतने कॉमन थे ना, इस पे हमने ना एक एक्सपेरिमेंट करा था। पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ। इस वीडियो में ना इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ठीक है भाई? बहुतों को पसंद नहीं आया, बट बहुतों को पसंद भी आया। और मेजरली ना मुझे लगता है आपको अपनी कार पे वो कराना चाहिए जो आपको खुद को पसंद आता है। अब देखो, मुझे पसंद तो आया था, बट फिर कमेंट्स पढ़ के थोड़ा हो नहीं जाता कि भाई चेंज ही करा लेते हैं, वो वाला हाल हो चुका है। ऐसे तो एक महीना हो चुका है इसे, टाइम नहीं लग रहा था यार, ये पापा ही चलाते हैं। मेरे पे बहुत कम रहती है, मेरे पे वरना ही रहती है, आज वरना नहीं है तो ये मेरे पास है। तो आज की वीडियो में ना हम एक और एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि परमानेंट वाला ये चीज कर दूं, मतलब कि बार बार चेंज चूंज यार अपने बस का है नहीं, टाइम वेस्ट होता है। तो ठीक है, अब इसको चेंज करा देते हैं, कुछ इसमें न्यू हम इंस्टॉल कराते हैं। और मेरे ख्याल से भाई ये हमें निकालनी पड़ेगी। ये रेडियम है भाई, अब तो हल्की फुल्की मैच कर, नहीं नहीं भाई नहीं कर रही मैच, आई एम सॉरी, लग रहा था इधर से बट नहीं कर रही मैच। बट एनीवे, आज की वीडियो में ना हम स्कॉर्पियन की फाइनली और फाइनल वाली टेल लाइट चेंज करा देंगे। एक बार मैं आपको इसकी लुक लास्ट टाइम दिखा देता हूँ, ऐसे देख लो, ऐसी लुक आ रही थी। कमेंट सेक्शन में तो लेनी देनी हो रखी थी ज्यादातर, मतलब मेजोरिटी। अब मैं देखो ब्लंटली बता देता हूँ, जो है वो है, क्या कर सकते हैं, उसे कोई अंडू नहीं कर सकता। और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई जब ऑडियंस को नहीं पसंद आया तो चेंज करा लो, क्या जाता है। वैसे जाता तो है, इसमें पैसे तो लगे थे, बट ठीक है यार, 1000 रुपए लगे थे। आज देखते हैं कितने पैसे लगते हैं भाई। अब मैंने सोचा कि सेफ ही खेलूंगा, जो बहुत ज्यादा कमेंट आ रखे थे भाई इससे अच्छे ये करा लेते, और जो मुझे पहले लग रहा था मुझे यही कराना चाहिए, अब मैं वो ही करा के गेम ओवर कर देंगे इसकी। कल हमने ना कहीं निकलना भी है, मैं कहा थोड़ी सी लुक इनहेंस हो जाए। अब मैं सोचूं कार भी वॉश करा ही लूं, देखते हैं, अगर भीड़ नहीं हुई तो कार भी वॉश करा लूंगा, नहीं तो बाद में ही वॉश करानी पड़ेगी कार। बाकी तो अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं है या आज से चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, एनालिटिक्स से पता चलता है भाई 88% लोगों ने ना सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है, तो भाई कर दे करो सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब नहीं भी कर रहे हो तो रोज 3 बजे के अराउंड वीडियो आ जाती है, वीडियो देखनी आ जाए करो, इट विल मीन अ लॉट टू मी। बाकी तो भाई ग्रूमिंग वगैरह भी करानी पड़ेगी, मुंह बड़ा मोटा मोटा सा लग रहा है ना, दाढ़ी बड़ी हो जाती है ना तो मुंह भी अपना मोटा मोटा सा ही लगता है। एंड इतने दिनों के बाद आपका यार स्कॉर्पियन पे आया है ना, मतलब कि एक सेडान से एसयूवी, रियल एसयूवी भाई, जो मजा आता है ना भाई, ऊंची ऊंची फीलिंग, नाइस, ये फीलिंग बहुत बढ़िया है। कोई खड्डे वगैरह का डर नहीं है, वरना में खड्डे वगैरह का डर बहुत रहता है। अभी 2-3 दिन पहले वरना बजी भी थी, उसका नीचे का बंपर भी टेढ़ा हो रखा है, शूट वगैरह नहीं करा, बड़ा मूड ऑफ हो जाता है यार। वॉशिंग वाले पे भीड़ तो है नहीं, पूछते हैं कितना टाइम लगेगा भाई। टाइम लगना था वॉशिंग में, तो लग रहा था कि कुछ है नहीं, बट ऑटो वगैरह वॉश होना था और एक बारी में एक ही चीज वॉश होती है, ऑटो में अलग ही टाइम लगता, तो मैं सोचा छोड़ो बाद में कराएंगे वॉश वगैरह, सबसे पहले ना इसकी टेल लाइट चेंज कराते हैं। अब तो वही खुरक हो रखी है कि पहले कराता हूँ चेंज। एंड चक्कर एक और पड़ रखे है, जिस भाई ने लगाई है ना वो ही उतार सकता है, क्योंकि ये है रेडियम। अभी इधर एक और सही लोकल शॉप, वो कहते हैं रेडियम उतारने का रिस्क हम नहीं ले सकते, ब्लोअर से उतरते हैं और टेल लाइट पे है जो प्लास्टिक है मेल्ट भी हो सकती है। मैं कहा हाँ सही बात है, बट जिसने लगाई थी वो कह रहा था हमारे पास आना हम उतार देंगे। एंड एक चीज ना आपके साथ भी होती होगी, जैसे आप एक कार से दूसरी कार पे जाते हो ना, जब ब्रेक मारते हो झटके से लगते हैं भाई, स्पेसिफिकली अगर ब्रेकिंग एक की कमजोर हो एक की ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मेरे केस में इसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि चारों डिस्क हैं, वरना मैं बस फ्रंट में डिस्क है, तो वो बलेक्का बड़ा पड़ता है, इतने झटके झटके से फील होते हैं ना इसमें। अब धीरे धीरे वही हैबिचुअल हो जाएंगे। एंड अभी जो ये लोकल शॉप वाले थे जो टेपिंग वगैरह करते हैं भाई, उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि इसके ऊपर रेडियम चट रखी है, उन्हें लगा ये ओरिजिनल ही ऐसी टेल लाइट है इतनी सी। मतलब कि यार जिसको नॉलेज नहीं है उसे तो यही लग रहा है कि टेल लाइट इतनी सी है। अब मुझे ये पॉइंट भी बढ़िया लगा, ये होता है भाई, कंफ्यूजन ना बहुत आ जाती है जब एंड टाइम पे आप चेंज कराने की सोचते हो ना, जब कोई कोई कहते भाई ये बढ़िया लग रही है तो दिक्कत की बात आ जाती है। अब मैं फिर से कंफ्यूज हो गया, मैं कहा इन्हें तो पता ही चल रहा कि ऊपर भी टेल लाइट है, इन्हें लग रहा है बस यही है टेल लाइट है। ये लो भाई, इन नो टाइम सेक्टर 28 में आ चुका हूं मैं, जहां से काम कराता हूं वहीं पे आया हूं भाई। बट हाँ ये देख लो, रेडियम उतारने में दिक्कत तो होती है, जो हम स्मोक वगैरह करते हो तो इजीली उतर जाती है ना, इसमें दिक्कत होती है भाई। रेडियम थोड़ा मटेरियल दूसरा ही होता है, आपको पता ही है, इसलिए दिक्कत आती है। बट ठीक है, एक बार ये उतर जाए फिर अभी हम सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं। स्मोक के अलावा और कुछ करा सकते हैं क्या टेल लाइट पे? ज्यादा डार्क हो जाएगी क्या स्मोक के अलावा अगर कुछ और कराएं? नहीं, ब्लैक और कोई हो, मतलब कि कुछ है ना छेड़खानी करेंगे वही वाला हाल हो जाएगा। चलो देखते हैं कितने परसेंट करोगे फिर आप। 50 वो ठीक लगेगी जैसे वरना में की थी।
भाई ये देख लो इधर की साइड की उतर चुकी है, बट मैं यही कहूंगा कोई भी ना रेडियम मत कराना भाई, ये गम सी रह जाती है। ये तो मतलब उतर तो जाएगी बट स्टिल यार समझ रहे हो ना, मेहनत बहुत लगती है और ये ना थिनर से जाएगी। ये लो भाई पूरी उतर चुकी है, जैसे OEM आती है ना बिल्कुल ही साफ सुथरी ये हो चुकी है क्लीन। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी स्मोक करानी चाहिए। अगर आप लोग भी करा रहे हैं भाई ये वाली करा लो, ये ना 50% होती है। ब्रांड वगैरह तो यार देखो हर जगह अलग अलग होते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसका भी कोई ब्रांड ब्रूंड तो आता ही होगा। भैया इसका क्या ब्रांड है, कोई नाम है इस ब्रांड का क्या? इसका जो आप स्मोक लगा रहे हो ब्रांड नहीं आता। अच्छा जो टिंट आती है जो फिल्म कराते हैं उसका आता है ना, गारवेयर सिंडिकेट जो सी भी होती है वो है ना, सनमाइल्ड। हाँ हाँ अच्छा ये ऐसी होती है लोकली, ठीक। अच्छा कोरियन होती है, इम्पोर्टेड है क्या ये भी? चलो और ये 50% है ना, इसमें ऑप्शन क्या क्या आते हैं? और एक 80% है। हाँ और एक वही 100%, वो तो बहुत ही माड़ी लगती है। तो 50 सही रहता है, 80 ये नॉर्मल है, सही है। जैसे वरना मैं पहले करा था, इसका कोई चलान भी नहीं है। अच्छा टेल लाइट का भी चलान है, काली का ज्यादा काली करोगे तो चलान है। अच्छा अच्छा इससे लुक आ जाएगी ना, पता तो चलेगा ना इससे। तो भाइयों सुन लिया आपने, भैया तो प्रोफेशनल है, वो भी ये कह रहे हैं 50 करा लो, वरना मैं तो आपको बताया हमने पहले कराई थी, फिर उसके बाद हमने पेंट करा दी थी टेल लाइट भी। इसका ऐसा हिसाब है नहीं यार, क्योंकि व्हाइट कार है, पीपीएफ पूपीएफ मैं इस पे कराऊंगा नहीं। और हाँ एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये बात चली रही है व्हाइट कार पे यार पीपीएफ कराने की जरूरत नहीं पड़ती है अकॉर्डिंग टू मी। अब वो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं चीजें, अगर डार्क कलर है जैसे ये देख लो डार्क कलर की एक्सयूवी खड़ी है, ब्लैक नहीं है कुछ अलग ही कलर है, इस पे आप फिर भी पीपीएफ करा लो। बट व्हाइट पे मुझे नहीं लगता यार, मतलब बिल्कुल भी नीड नहीं है व्हाइट पे तो। बट स्टिल अगर ज्यादा ही पैसे हैं तो करवा लो भाई, क्या कर सकते हैं। बट विद टाइम व्हाइट पे पीली पड़ जाती है पीपीएफ, ये भी माइंड में रखना। और भाई इधर ना ये देखो 80% भी पड़ी है, बट अभी ना भैया ने बताया अगर वो ये आगे आपको होता है विंटर है धुंध में दिखेगी नहीं बिल्कुल भी, है ना, कम होगी। हाँ फॉग में फिर दिक्कत आएगी भाई, इससे अच्छा मत कराओ। इसलिए भाई 50 ठीक है, मैं अगेन यही रिकमेंड करूंगा, 80 पे मत जाना, 100 पे तो ऑब्वियस आता है मत जाना, लुक भी बड़ी गंदी आ जाती है। चलो भाई काम अपना डन है, अभी मैं आपको लुक भी दिखाता हूँ। बट भाई जो अब कार लग रही है मुझे तो बहुत पसंद आ रही है। अब ना सिर्फ कार में एक कमी है, टायर, टायर वाले घिस जाए तो 18 इंचेस में ना मैं प्रोफाइल इंक्रीज करूंगा, लगे थोड़े से ना चौड़े हुए फेंडर लाइन के हल्के से बाहर आए वो वाले टायर से डलवाऊंगा। और जब जो कार की लुक आएगी ना भाई आप भी कहोगे भाई अब बनी बातचीत, वो देखते हैं भाई कब कराएंगे, एक बार टायर घिस जाए। क्योंकि अभी तो कार भाई 15,000 चली है, कल जाऊंगा 15,000 से प्लस हो जाएगी, इसमें जाऊंगा कल। बाकी तो हाँ डीजल भरवा लेते हैं चंडीगढ़ में भाई, डीजल सस्ता, डीजल 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 फुल करना है। क्या रेट है? 84.26 है भाई रेट। बहुत भाई कहते हैं इसका माइलेज टेस्ट भी करो, भाई करेंगे माइलेज टेस्ट भी, किस दिन मेरे हाथ में लगी ना। देखो 14.2 की माइलेज दे रही है ये, क्या बात है भाई, पापा के हाथ में होती है ना ये इसलिए 14.2 की दे रही है, मेरे से इतनी निकलती नहीं, 12-13 मुश्किल से देती है। बट नाइस यार 14.2 इज गुड, 4x4 ऑटोमेटिक। ये लो भाई जीरकपुर आके खाली मिल गया, इधर डायरेक्टली कार लग गई और देख लो कितनी ज्यादा गंदी है। अभी तो मैंने आपको ना लुक अभी रिवील नहीं करी, एक बार बिल्कुल ही साफ सुथरी हो जाए फिर लुक रिवील करूंगा, क्योंकि यार गंदी में तो बातचीत बनेगी नहीं क्यों। बट ठीक है इतने अपना काम निपटा लेते हैं, वीडियो एडिट कर लेते हैं इधर बैठ के। चलो भाई अपनी कार वॉश तो हो चुकी है, ये देख लो कैसे लाउड म्यूजिक चला रखा है, शुक्र है थोड़ा सा कम हुआ वीडियो हम इधर शूट, अरे फिर से ज्यादा हो गया। चलो भैया जा ही रहे हैं, बट भाई पंजाब के शौक है ऐसे थोड़ी, 2x में आपको दिखाता हूँ। ये देखो जिप्सी है भाई, ये मोगा से तैयार कराई है, मेरी बात हुई थी भैया से, बढ़िया है बट इसके लिए भी ना जिगरा चाहिए, मतलब कि खुले आम इतना म्यूजिक सुनना, बाकी इधर जाम लग चुके हैं। बट एनी वे कार हमारी वॉश हो चुकी है, अब मैं आपको लुक रिवील करता हूँ। तो हाँ जी कैसी लगी लुक, अब मैं आपको रियल लाइफ में भी दिखा देता हूँ, सिनेमैटिक से हटके थोड़े बहुत ही सिनेमैटिक शूट करें क्योंकि ऐसे इतना ज्यादा काम तो हुआ ही नहीं है। बट कहीं ना कहीं भाई अब मुझे लुक ज्यादा बढ़िया लग रही है, बाकी तो कमेंट सेक्शन अगेन ओपन है, आप अपने ओपिनियन दो भाई आपको लुक कैसी लग रही है कैसी नहीं। आई होप सो पहले से तो बढ़िया लग रही होगी, क्योंकि यार देखो अब जो टेल लाइट आ रखी है इसे तो हम चेंज करा नहीं सकते, काट फाड़ सकते नहीं, मतलब काट फाड़ सकते होंगे बट मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वही है भाई हमारी ये प्राइमरी कार है। जब आपका भाई अगले साल कुछ नया लाने की जो सोच रहे वो आ गया तो देख लेंगे, है ना, थोड़ी सी जब पुरानी हो जाती है जब तो इतना जिगरा आ जाता है, काट फाड़ दो कुछ चेंज चूंज करा लो, बट अभी तो कुछ कर नहीं सकते तो इतना ही चेंज हो सकता है। इससे पहले जो कराया था वो पसंद नहीं आया था, वो भी एक एक्सपेरिमेंट था, बट ये कहीं ना कहीं बढ़िया लग रहा है। बस अब टायर की है भाई, टायर इसमें मैं 80 टायर डलवाने की सोच रहा हूँ, थोड़े बड़े 275-285 भाई सजेशन दे देना उसके भी टायर के, तो हम टायर वगैरह डलवा लेंगे। बट एक बात है यार इधर प्राइसिंग वॉशिंग की बहुत ज्यादा है, हमारे उधर 150 रुपए में हो जाती है बाहर बाहर से, मैंने बाहर से कराई है, मतलब अंदर से भाई ने मैट वगैरह साफ कर दिए, इधर लिए 300 रुपए, तो
अगर आप कभी कार वॉश करा रहे हैं अननोन जगह से तो भाई प्राइसिंग पूछ लिया करो। अब भाई ने 300 बोला तो मैंने भी दे दिया, मैंने कहा क्या बार्गेन करना है, मतलब कि जो ऐसा काम होता है ना उसमें तो बार्गेन करो ही ना तो ठीक लगता है, क्योंकि देखो मेहनत तो लगती है भाइयों की। बट एनीवे ये सब चीजें छोड़ते हैं, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है वीडियो को याद से लाइक कर देना। बेल्ट मैंने इसलिए पहनी क्योंकि इधर ये ऑफिस, तो उधर जाके काम वगैरह निपटा के अपना वापस से घर निकल जाएंगे। बट यस, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। याद से भाई कमेंट्स में प्यार दिखा देना, मतलब कि जो भी ओपिनियन है लिख देना कि कैसी लग रही है कैसी नहीं।